लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं जुटाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर टीमें गठित की गई हैं। यह टीमें घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगी तथा आंकड़े एकत्रित करेगी। यह जानकारी रोहतक के उपायुक्त आरएस वर्मा ने अधिकारियों की बैठक में दी। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। सरकार द्वारा जारी की गई सभी एडवाइजरीज का पूरा पालन किया जा रहा है और रबी की फसल हार्वेस्ट होने लग गई है और थ्रेसिंग भी स्टार्ट हो गई है और मस्टर्ड सीड थ्रेसिंग हो चुकी है। इसके लिए सरकार के दिशा निर्देशानुसार 15 से 19 तारीख तक इसका प्रोक्योरमेंट का कार्य प्रारंभ होगा चलेगा और वीट के लिए आज से पोर्टल खुला है सेल करने के लिए। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो अपना उस पर दर्ज करवाएं और 20 तारीख से वीट की प्रोक्योरमेंट प्रारंभ होगी। इसके अतिरिक्त सरकार के दिशा निर्देशानुसार माइक्रो लेवल पर प्लानिंग के लिए प्रत्येक हाउस होल्ड पर हमारी टीम जाकर ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा जारी जो बेनिफिट्स हैं वो उनको ठीक प्रकार से पहुंच रहे हैं, वहाँ कोई ऐसी एकल परिवार जिसमें वृद्ध और महिला हेड कर रही है उनको कोई दिक्कत ना हो, मेडिसिन और ओल्ड एज केयर आदि की हेल्प के लिए डोर टू डोर जाकर के जो हमारी यूनिट लेवल की कमेटियां बनी हैं वो इस बात का डाटा इकट्ठा करेगी और इसके साथ साथ जो डाटा तैयार हो जाएगा उसको सेक्टर लेवल की कमेटी जो गांव को सेक्टर माना गया है और जोनल जो ब्लॉक को रूरल एरिया में ब्लॉक को और अर्बन एरिया में हमारी म्यूनसिपल कमेटी एक सेक्टर जोन के तौर पे रहेगी वो सारा डेटा इकट्ठा करके पूरा माइक्रो लेवल पर प्लानिंग तैयार की जा रही है। और किसी भी इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी परिवार के जो नीडी हैं वो इससे वंचित ना रहे। इसके लिए आज हमारे जो जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं उनसे हमने विचार विमर्श किया है। कुछ व्यक्तिगत तौर पे हाजिर हुए थे, कुछ से हमने टेलीफोनिकली ये विचार विमर्श करके उनको प्रभावशाली ढंग से फील्ड में काम पूरा करवाने का अनुरोध किया। सर,